भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को बेहतर सर्विस देने के लिए लगातार आगे कदम बढ़ाती रहती है। इसी कड़ी में अब रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्टेशनों, वेटिंग रूम, आरक्षण काउंटर, पार्किंग क्षेत्र, मुख्य प्रवेश, एग्जिट द्वार, प्लेटफॉर्म, फुट ओवर ब्रिज, बुकिंग कार्यालयों में इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित वीडियो सर्विस लाइन सिस्टम लाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। रेलवे अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी को बेंगलुरु, मनमांड और भुसावल स्टेशन पर शुरू कर दिया जाएगा। अब रेलवे पुलिस फोर्स यानी RPF के जरिए आसानी से अपराधियों की पहचान कर सकेगी। पश्चिम रेलवे के भावनगर, टर्मिन्स, उद्यान, वलसाड, नागदा, नवसारी, वापी, विरागाम, राजकोट, गांधीधाम नामक 10 रेलवे स्टेशनों पर इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित वीडियो सर्विस लेंस प्रणाली स्थापित की जाएगी। वीडियो सर्विस लेंस प्रणाली से रेलवे स्टेशन पर यात्रियों और रेलवे की संपत्ति की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होने का अनुमान है। 963 स्टेशनों पर ये शुरुआत अभी की जाएगी। बेहतर कवरेज और स्पष्ट तस्वीर पाने के लिए यहाँ पर 4 टाइप के कैमरे, HD कैमरे लगाए जाएंगे। गुबंद आकार, बुलेट आकार, पैन डिलेट जूम आकार और अल्ट्रा HD 4 के कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे निगरानी और रेलवे सुरक्षा बल इस पर ज्यादा से ज्यादा निगरानी रख सके। इन सभी सुविधाओं को देखते हुए और महिलाओं की सुरक्षा को खासकर देखते हुए रेलवे पुलिस ने ये बड़ा कदम उठाया है और इस को लेकर वो हर रेलवे स्टेशन पर लगभग इसकी शुरुआत करने जा रही है। नेक्स्ट 9 टेक्स नाजमिन की रिपोर्ट।